आज हम आपको लेकर जा रहे हैं उस गांव में, जिस गांव का एक व्यक्ति लाखों बीमार लोगों को प्रेरणा देने वाला है। जगह है उत्तर प्रदेश का लोनी कस्बा, जहां मौजूद है सबलूगाढ़ी गांव। सबलूगाढ़ी गाजियाबाद से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है और वो व्यक्ति है 62 वर्षीय सुरेंद्र कुमार जी। पिछले 6 साल से सुरेंद्र कुमार जी के जीवन की प्रत्येक घड़ी केवल पीड़ा और संघर्ष से भरी हुई थी। घुटनों के दर्द की 6 वर्षियों तक कष्टमय यात्रा ने उनके शरीर और आत्मा को चुनौती दे रखी थी। उनकी नींद में मुड़ने की क्षमता छिन चुकी थी। उनका चलना तो लगभग असंभव हो गया था और हर छोटे से छोटे कार्य में उन्हें अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता था। इसको पकड़ पकड़ के सहारा लेके चढ़ता था। पहले तो मैं इतना परेशान था कि चलती दफे दर्द होता था, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाता था, ऐसे लेटा रहता था, और जब ऐसे कलवट लेता था जब मेरे को दर्द होता था इसमें, या इधर को कलवट लेता हूँ जब इसमें दर्द होता था। इस दर्दनाक स्थिति में भी उनका धैर्य और संघर्ष कहीं से भी समाप्त नहीं हुआ। लेकिन पिछले 1 साल से घुटनों में दर्द इतना असहनीय हो गया था कि उन्होंने अंततः डॉक्टर से अनुरोध किया कि उनके पैर काट दिए जाएं। ये उनकी उस समय की मानसिक और शारीरिक स्थिति की गहराई को दर्शाता है। मैंने डॉक्टर से बोल दिया, मलिक साहब मेरे घुटने काट दो यहाँ से। इतना परेशान था मैं, बैठ के लेटरिन टॉयलेट भी नहीं कर सकता। सुरेंद्र कुमार जी उन हजारों लाखों मरीजों में से हैं जो घुटनों के दर्द का सालों से इलाज करवा करवा कर थक गए हैं। लेकिन आज सुरेंद्र कुमार जी के ठीक होने की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद भी आशा और संघर्ष की शक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनके साहस और धैर्य ने न केवल उनकी जिंदगी को पुनर्निर्मित किया बल्कि हमें भी सिखाया कि हर अंधकार के अंत में प्रकाश अवश्य होता है। अब तो मैं ख्याल आ रहा है कि मरते दम तक ये टीके ये गौंदसिया नहीं छोड़ू। मैं तो एक दिन कह रहा था इनसे, अगर ऊपर वाले मुझे उठा दे तो दोनों चीज मेरे वहां रख देना। हम भी पहुंचे अपनी टीम लेकर सबलूगाढ़ी गांव, जहां सुरेंद्र कुमार जी रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद, और गाजियाबाद से आगे एक जगह पड़ती है लोनी, लेकिन लोनी तक ही हम नहीं रुके। लोनी से करीबन 2.5 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है सबलूगाढ़ी। यहां पे रहते हैं सुरेंद्र कुमार जी, जिनकी उम्र है 62 साल। हमें पता चला कि 6 साल वो घुटनों के दर्द से बेहद परेशान थे। हकीम साहब की किस दवाई से मिला है उन्हें फायदा कि अब वो बहुत आसान जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं और बहुत जीवन में उनके परिवर्तन आ गया है, खुशहाल जिंदगी वो व्यतीत कर रहे हैं, यही जानने में उनके घर के बाहर यहाँ पे मौजूद हूँ। तो सबलूगाढ़ी जो गांव है, यहाँ पे ही उनका ये घर है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और मैं अपनी पूरी टीम के साथ अभी उनके घर तक जाऊंगी, आपको भी मिलवाऊंगी। उनकी सच्ची कहानी दिखाने ही हम पहुंच गए हैं उनके घर तक, तो चलिए मेरे साथ। सुरेंद्र कुमार जी कैसे अब बिना सहारे सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, यही देखने के लिए हमने सबसे पहले इनके घर पहुंचने के बाद इन्हें सीढ़ियों पर चढ़ाना शुरू किया। तो दर्शकों, हम इस वक्त सीढ़ियों की तरफ चल रहे हैं, जहां पे हम देखेंगे कि सुरेंद्र सर पहले नहीं चल पाते थे। सर, यही वो सीढ़ियां हैं जिन पे आप चढ़ नहीं पाते थे? पहले आप कैसे चढ़ते थे पहले? पहले मैं ऐसे पकड़ पकड़ के चढ़ता था इसको पकड़ पकड़ के सहारा लेके चढ़ता था, लेकिन अब मैं ऐसे चढ़ता हूँ। तो देखिए, 62 साल के सुरेंद्र कुमार जी हैं जो अब बिना रेलिंग पकड़े चल रहे हैं और बहुत आसानी से। 6 साल से वो घुटनों के दर्द से परेशान थे। तो सुरेंद्र सर, जो चीज़ आपके लिए नामुमकिन हो गई थी, लेकिन वो मुमकिन कर दिखाया गौंदसिया ने, टी केयर ने, और आप बिना ग्रिल पकड़े चल रहे हैं, तो कितनी आसानी हो रही है चलने में आप? अब तो मैं ऐसे चलता हूँ, पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। दर्द हो रहा है किसी तरीके का? नहीं, अब दर्द नहीं है। तो देखिए सुरेंद्र जी, हमें अपनी छत तक ले आए हैं और बिना दर्द के ये सीढ़ियाँ चढ़ के अपनी छत तक आ गए हैं। 62 साल के हैं जो पहले बिल्कुल नहीं चल पाते थे, हालात इतने बेकार हो गए थे कि इन्हें लगता था कि भाई डॉक्टर आप मेरे घुटने काट दीजिए, लेकिन आज देखिए आपके सामने सुरेंद्र जी हैं, तो इतना बदलाव देख रहे हैं सुरेंद्र जी आप, हकीम साहब के गौंदसिया का इस्तेमाल करके, टी केयर का इस्तेमाल करके, कितना अच्छा लगता है। और कैसे मन में अब तो पॉजिटिव ख्याल रहते होंगे, अब तो किसी तरीके की गलत सोच आती ही नहीं होगी? कोई नहीं है, अब तो मुझे ऐसा सुकून मिला है कि शायद मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली हो। पहले तो मैं इतना परेशान था कि चलती दफे दर्द होता था, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाता था, अब तो मैं ठीक अपने चढ़ लेता हूँ,
यहाँ घूम भी लेता हूँ, फिर आगे भी इधर उधर घूम जाता हूँ सुबह सुबह टाइम पे। तो बहुत बड़ी छत है सुरेंद्र जी की, और सुरेंद्र जी का जो कहना है कि चल नहीं पाते थे बिल्कुल भी, उनके घुटनों ने साथ देना छोड़ दिया था, तो सर पहले छत पे आने से कतराते भी थे? हाँ बिल्कुल, चढ़ना मैं तो चढ़ता ही नहीं था, इतना परेशान था, वो रेलिंग पकड़ के चढ़ता था। तो पहले मन होता था कि छत पे चलो सैर की जाए? नहीं नहीं, पहले मन नहीं होता था। और अभी मैं कहूँ आपसे कि सुरेंद्र जी थोड़ा सा हमें चल के दे जी, कितनी तेज चल लेते हैं बाबू। तो देखिए सुरेंद्र जी आराम से चल रहे हैं, पहले ये छत पे आने से कतराते थे लेकिन अब देखिए अच्छे से चल लेते हैं। तो आप मन भी करता होगा कि चलिए छत पे चलते हैं सैर करते हैं? खूब खूब करता, अब तो घूमने के लिए भी करता, ऊपर भी छत पे चढ़ता हूँ मैं अपने यहाँ पे, जैसे पाइप लगा वैसे धुलाई भी कर देता हूँ कभी। अच्छा, कभी धुलाई भी कर देते हैं छत की। ये बताइए कि कभी लगा था कि गोंद सिया आपको इतना फिट कर देगा? हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं था लेकिन अब मुझे यकीन पूरा हो गया, अब तो इतना हो गया कि मैं साथ गोंद सिया को ही साथ लेके जाऊँ। कहना है इनका गोंद सिया को ही साथ लेके जाऊंगा। देखिए चलना देख लिया, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को और चल के दिखाएंगे, हम भी आपके साथ साथ चलते हैं सुरेंद्र जी। देखिए सुरेंद्र जी अब अच्छे से चल रहे हैं। सर घुटने दिखाइए, घुटने एकदम फिट है, दर्द तो नहीं हो रहा? यहाँ से लेकर वहाँ तक कितनी तेज चल लेंगे? ये देखिए ये रफ्तार देखिए आप जी। सुरेंद्र जी हमारे तक आ जाइए तेजी से चल के जी। अच्छा कोई एक्सरसाइज भी आप करते हैं? हाँ सुबह करता हूँ मैं। क्या कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? बस सुबह जैसे लेट के जैसे पैर को ऐसे दोनों को उठाओ पैर को, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, जितना व्यायाम होता ना दोनों पैरों पे, लेट के ऐसे करता था मैं, फिर आपस में ऐसे भी करता था मतलब। अच्छा दंड बैठक लगा लेते हैं? अभी दंड बैठक नहीं लगाता। कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे, अभी पैरों की एक्सरसाइज भी बता दी है। तो सुरेंद्र जी अब नीचे की तरफ चलें क्या? कोई दर्द हल्का फुल्का भी दर्द तो नहीं है? अब नहीं है दर्द मेरे को। तो कहना है सुरेंद्र जी का अब नहीं है दर्द। अब हमने सीढ़ियाँ तो चढ़ के हम ऊपर आ गए थे आसानी से, लेकिन अब नीचे भी हम इनको उतरवाएंगे। जी सर आप चढ़ तो लिए, उल्टा उतर जाऊंगा ऐसे। अच्छा उल्टा उतर के दिखा रहे हैं आप हमें? जी 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 जी, बस दर्द नहीं होना चाहिए सर, यही तो हम। जिस गौन सिया का हम बहुत देर से जिक्र कर रहे हैं, टी केयर का बहुत देर से जिक्र आप कर रहे हैं, जिन्होंने आपको आराम दिया है दवाइयों ने, तो वो दवाइयाँ किधर हैं? इसमें 42 कैप्सूल आती है। और ये आप कब कब खाते हैं? सुबह शाम। सुबह शाम खाते हैं। तो कौन सी और टी केयर का आप एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ बस पहले ये ले लेता हूँ, आधे घंटे बाद वो ले लेता हूँ। और आपने कहा है ये आप जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे? वो तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ये मन में इतना इतना ज़्यादा विश्वास सर कि आपने अपने बच्चों से भी मजाक में कह दिया है जब मैं इस धरती से जाऊँगी तभी मेरे बरार में तुम टी केयर और कौन सी रख देना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मैंने तो बोला था मैंने कि जब मैं ऊपर जाऊँ तो ये दोनों डिब्बे मेरे साथ रख दे। इतना टूट विश्वास हकीम साहब की दवाई। बिल्कुल हाँ। जो बेड था जिस पे आप उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, वो अब आप कितनी आसानी से काम कर लेते हैं। चलिए देखिए दर्शकों ये चल तो पा रहे हैं 62 साल के सुरेंद्र जी, और यही वो बेड है जिससे वो कभी उठ होता था।
अब तो ये है कि बस ऐसे बैठ जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा, आपने कहा था बाथरूम तक जाने में आपको तकलीफ होती थी, तो आप किसी का सहारा लेके चलते थे या फिर ऐसे ही धीरे धीरे उठते थे? ऐसे धीरे धीरे जाता था, धीरे धीरे जाता था। चलिए आइए, हमारे साथ बैठिए। तो दर्शकों देखिए, अब आराम से सुरेंद्र जी उठ बैठ लेते हैं, चल फिर लेते हैं, सीढ़ियाँ तक उन्होंने चढ़ के दिखाई और उन्होंने हमें छत पे भी देखिए कितनी भागदौड़ी करके दिखाई। सुरेंद्र सर, सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको उठने में होती थी और दूसरी चीज़ आपने हमें बताई थी कि जब आप करवट लेते थे तो आपको पैरों में बड़ी तकलीफ होती थी, तो आप हमें दिखाएंगे कि क्या अब वो तकलीफ आपको होती है? तो देखिए दर्शकों, पहले बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी सुरेंद्र जी को, सो नहीं पाते थे रात में, लेकिन अब आप खुद देखिए। जैसे ऐसे लेटा रहता था और जब ऐसे कलवट लेता था जब मेरे को दर्द होता था इसमें, या इधर को कलवट लेता हूँ जब इसमें दर्द होता था। तो पैर के ऊपर पैर अगर आप रखते थे क्या दर्द होता था? नहीं, ऐसे ऐसे दर्द होता था करने रहा। और अब तो मैं इधर को ले लूँ या इधर को ले लूँ। पूरी तरीके से हमें मूवमेंट दिखाइए पैरों की कि अब आपको वो दर्द नहीं होता है जो पहले होता। सुबह 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 सब तो मैं व्यायाम भी करता हूँ ऐसे करके और ऐसे करके। अरे वाह, खूब करता हूँ मैं, ऐसे करके भी करता हूँ, ऐसे भी करता हूँ, अब तो मैं खूब ऐसे करके भी करता हूँ। कमाल है, कमाल है। दर्शकों देखिए, पूरा मूवमेंट पैरों का हो रहा है, ये वही मूवमेंट है जो पहले नहीं होता था। लेकिन अब देखिए, गौंसिया का सेवन किया 7 से 8 महीने 62 साल के सुरेंद्र कुमार जी ने, और ये हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर पे आके खुद उन्हीं से ही, क्योंकि देखिए सच्ची कहानी हम आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम के जरिए, और ये सच्ची कहानी आज की सुरेंद्र जी की। तो सुरेंद्र जी देखिए, अभी आप लेटे, आपने पैरों का मूवमेंट भी किया और फिर आप फटाफट से बैठ भी गए हैं तो किसी तरीके का हल्का फुल्का भी दर्द आपको महसूस हो रहा है? भाई इतना दर्द होता है जैसे 1-2 किलोमीटर चलता हूँ ना। अच्छा, अच्छा। बस जब थोड़ा सा महसूस होता है, नहीं वैसे थोड़ा बहुत घूमने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आपको दिक्कत परेशानी क्या रही? दिक्कत परेशानी घुटनों में दर्द की थी, चलती दफे दर्द होता था, टॉयलेट करती दफे। दवाई ली पहले, दवाई मैं कहाँ से बताऊँ, जगह जगह से दवाई ली है मैंने। अच्छा। हाँ, फिर मैंने इंजेक्शन भी लगवाया, फिर उससे 2-4 महीने आराम पड़ा, फिर वही हाल हो गया। आपने कहा आपने MRI कराया, लेकिन आपको ये कब एहसास हुआ कि ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? वो कौन सा दिन था जब आपका दर्द बहुत अत्यधिक बढ़ गया था? ये 1.5 साल पहले। अच्छा, क्या हुआ था ऐसा? बस अब जैसे खड़ा हो तो खड़ा नहीं हुआ जाता था, इतना एहसास होता था मुझे। टॉयलेट जा रहा तो दर्द होता था, सीढ़ियों पे तो चढ़ नहीं पाता था, इतना दर्द था। इतना परेशान हो गया था मैं। तो आपको जो ये घुटने की परेशानी थी, तो आपके आसपास में भी और लोगों को इस तरीके की परेशानी आपने देखी है? हम गांव में है, एक लेडीज को थी परेशान, उसने ऑपरेशन कराया। अच्छा। अभी कोई 7-8 महीने पहले। अच्छा, उनको आपने देखी, परेशानी देखी, उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, तो आपके मन में कैसे ख्याल आते? मेरे मन में तो पहले 1.5 साल पहले तो ये था कि भाई मैं बस लास्ट ऑपरेशन ही करा दूँ। अच्छा, घुटने में किस हिस्से में आपके दर्द है बताइए? घुटने में यहाँ दर्द, ये पूरे? हाँ, कटोरियों में दर्द, कटोरी भी इतने में दर्द रहता है। अच्छा, तो जैसे अभी आपने मुझे ये पैर हिलाते हुए दिखाया, पहले हिला पाते थे ऐसे पैर? बिल्कुल भी नहीं। पहले तो करड़ करड़ इसकी आवाज़ आती थी। आवाज़ भी आती थी। हाँ, अब नहीं है। अब नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है, कि आपने कौन सी एक तो दवाई का इस्तेमाल किया हकीम साहब की?
बस अब उठता बैठता हूँ जैसे पहले तो खड़ा भी नहीं हो जाता, अब तो ऐसे खड़ा हो जाता हूँ पूरा। पहले तो दिक्कत आती खड़े होने में। और पहले कैसे उठते थे? पहले तो सहारा लेकर उठता था, पहले ये ऐसे उठता था, फिर थोड़ा ऐसे खड़ा होता था जब उठता था। तो हकीम साहब के बारे में आपको किसने बताया, कैसे आपको जानकारी हुई इनकी दवाई के बारे में? अच्छा, अभी तक आपने कितने डॉक्टर्स को दिखा दिया, कितने अस्पताल के चक्कर आपने लगा लिए? मैक्स में दिखाया, वहाँ MRI सब कराई थी मैंने, फिर यशोदा में भी दिखाया था, वहाँ भी कराई थी, उन्होंने एक्सरे वगैरह वो किए थे। पर वो तो ये बात कहते कैल्शियम की कमी और गैस, बस ऑपरेशन कराओ। कभी ऐसा मन में ख्याल आया कि अब तो जो जिंदगी बची हुई है अब दर्द के सहारे ही गुजर जाएगी? अब ख्याल तो मैडम परेशान, लास्ट में बता दो परेशान इतना था, मैंने डॉक्टर से बोल दिया मैंने साहब मेरे घुटने काट दो यहाँ से, इतना परेशान था मैं, टॉयलेट बैठ के लेटरिन टॉयलेट भी नहीं कर सकता था। मैं तो मैक्स वाले से बोला था मैंने कि डॉक्टर साहब आप इतना काट दो, हम खाली उससे ही चल लेंगे, वो बढ़िया है इस दर्द से, तो इतना परेशान था। लेकिन देखिए आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ भी होंगी सर, ऐसे मन में ख्याल आपके कैसे आ गए? अब घर की जिम्मेवारी, ये तो पोते हैं मेरे, दो बच्चे हैं, दो बच्चे इनकी शादी कर दी, एक का मकान ये, एक का अपने गांव में ये पीछे, मैं तो रिटायरमेंट हो गया फिर ही हूँ मैं तो, लेकिन अपनी सुकून की जिंदगी तो जीऊँ। तो आपको ये लग रहा था कि आप घुटने अगर कटवा लेंगे, पैर कटवा लेंगे तो क्या सुकून की जिंदगी हो जाएगी? दर्द तो खत्म होगा। अब कैसे मन में ख्याल आते हैं ये बताइए? अब तो मैं ये ख्याल आ रहा है कि मरते दम तक ये टीके ये गौंदसिया नहीं छोड़ूं। तो हकीम साहब की दवाई पे इतना भरोसा हो गया आपको? मैं तो एक दिन कह रहा था इनसे मन की अगर ऊपर वाले मुझे उठा देते दोनों चीज मेरे वहाँ रख देना। जी उम्र कितनी है आपकी सुरेंद्र सर? 62 साल। 62 साल। घर में कौन कौन है? घर में दो पोते और लड़का है ऋषि जी। ठीक है, आप रिटायर तो हो गए हैं लेकिन इससे पहले क्या काम करते थे आप? इसमें नई दिल्ली नगर पालिका में। ठीक है, वाटर सप्लाई जी। उस समय दर्द था आपको? दर्द था। अच्छा, तो कैसे बर्दाश्त करते थे? बाइक से जाते थे। बाइक चला पा रहे थे? हाँ, बाइक में तो ये है ना अगर बैठ जाता हूँ तो अपना चलता रहता हूँ। अब कभी दर्द होता था न्यू पैर सीधे कर लिए, बस ऐसे चलाता था भाई। तो किसी तरीके का कोई योगा व्यायाम आप करते हैं? अब सुबह करता हूँ मैं, जब से दवाई आराम पड़ना शुरू हुआ ना सुबह करता हूँ। अच्छा, और कितनी दूर तक आप चल लेते हैं बहुत आसानी से बिना दर्द? ज़्यादा 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर चल रहते हैं? हाँ। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि आपको कितना परसेंट आराम मिल गया है टी केयर से, गौन से, समझो कि मुझे 85% 90% आराम मिल गया। अच्छा, शरीर में फुर्ती दिखती है सर गौंसी और टी केयर के बाद? एक तो पेट को सुकून मिलता है कि मेरे पेट में कोई गैस वगैरह कोई ऐसी चीज़ है बनती नहीं। एक जब से खा रहा हूँ ना 1.5 साल से, जब कोई गैस की प्रॉब्लम या किसी चीज़ की प्रॉब्लम है वो ही नहीं है, भूख भी लगती है, पेट की वैसे कोई समस्या नहीं है मुझे। तो ये थी उत्तर प्रदेश के लोनी के सबलू गढ़ी में रहने वाले 62 साल के सुरेंद्र कुंवर जी की कहानी, जो हजारों लाखों घुटनों के दर्द से पीड़ित लोगों को आज प्रोत्साहित करेगी और उन्हें ये विश्वास दिलाएगी कि अपने जीवन में वो एक बार गोंद सियाह का इस्तेमाल करके जरूर देखें, हो सकता है उन्हें भी इस जड़ी बूटी से आराम मिल जाए।